आज हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस देख रहे हैं। इसमें दोनों चीज देखेंगे, हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस को भी देखेंगे कि ग्लाइकोजन कैसे बनता है, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी देखेंगे, है ना, ग्लाइकोजन का कैसे ब्रेकडाउन होता है। ये दोनों कार्य हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस में जैसे ग्लाइकोजन जो टर्म है, इस टर्म से कुछ रिलेशन है, क्या है भाई? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है ये, हाँ, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल सेल्स एंड सम फंगस, फंगल सेल्स, इन दोनों जगहों पर ग्लाइकोजन क्या कहलाता है भाई? ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल सेल्स, कुछ फंगल सेल्स में भी ये स्टोर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ फूड होता है। साथ ही इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं? इट इज पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और इसमें दोनों तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं। मतलब इट हैज, इसके पास दोनों तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये दोनों तरह का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें मौजूद है। तो ये एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। हम लोग के बॉडी में ग्लाइकोजन जो है, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन जो है, वो उसका बेसिक जो स्टोरेज पार्ट है वो होता है लीवर। लीवर इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, और ये स्टोरेज साइट भी है, स्टोरेज साइट भी है ये। स्टोरेज साइट के बारे में बोले तो ये लीवर है एंड स्केलेटल मसल है, ये दोनों आ गए स्केलेटल मसल्स। तो इस प्रकार से ग्लाइकोजन हमारे शरीर में किस अंग में सबसे सर्वाधिक मात्रा में है वो भी कहते हैं। अगर लीवर सेल की बात करें, लीवर में तो 10% ऑफ द वेट, जो 10% वेट होता है लीवर का, वो अकेले ग्लाइकोजन से ही होता है। जबकि मसल्स में 1 से 2%, जबकि मसल्स में 1 से 2% ऑफ द वेट जो है, मसल का टोटल वेट का, वो ग्लाइकोजन से ही होता है। तो आप एकदम समझे कि एकदम भरा पूरा है ग्लाइकोजन जो है, इसमें लीवर में पर्याप्त मात्रा में रहता है, और फिर मसल्स में भी रहता है। क्या फायदा है, क्या है ना, यू रोल क्या है, यूज ऑफ ग्लाइकोजन क्या है? जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है। यदि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है तो इट मे बी यूज्ड टू गेट एनर्जी और कार्बन और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बन भी मिल सकता है इससे ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब स्ट्रेस का कंडीशन हो, ग्लाइकोजन से हमें दो तरह का लाभ मिल सकता है। एक, ग्लाइकोजन से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन टूट जाएगा ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज से हम एनर्जी ले सकते हैं। या फिर कार्बन की कमी हो और प्रोटीन हम नहीं बना पा रहे हैं, अमाइनो एसिड नहीं बना पा रहे हैं, वहां भी ग्लाइकोजन जो है वह निश्चित रूप से अपना कार्बन डोनेट करके इस काम को करता है। ठीक है, तो बुरे वक्त में काम दे रहा है। ग्लाइकोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि बुरे वक्त स्ट्रेस के टाइम में यह हमें क्या करे, सपोर्ट एंड सप्लाई करे सुगर का। बुरा वक्त आए तो यह टूट टूट कर करे। ग्लाइकोजन से संबंधित जो रिसर्च रहा, उसमें एक आता है कोरी साइकिल। कोरी साइकिल का यदि बेसिक देखें तो आपको बहुत ही जानकर अच्छा लगेगा। कोरी एक वैज्ञानिक थे, मियाँ हस्बैंड वाइफ थे, और इनका लेबोरेटरी से बहुत लोग नोबेल प्राइज जीते ग्लाइकोजन के ही बारे में काम करके। तो कोरी वैज्ञानिक का नाम है, और इसी ग्लाइकोजन साइकिल का जो है, उसी को कोरी साइकिल नाम दिया गया।
तो कोरी ने कहा कि अ साइकिल अकर्स बिटवीन, इसके बीच में लिवर एंड स्केलेटल मसल्स टू रेगुलेट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को वो रेगुलेट करता है। एंड इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोरी साइकिल। एक प्रकार से इसने कहा कि लीवर और स्केलेटल मसल है, इसके बीच में जो ग्लाइकोजन है उसका एक मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, उसका रेगुलेशन देखने को मिलता है, और इसलिए कोरी साइकिल इसका नाम दिया। अब अगर लीवर और मसल की बात करें तो इसको एक स्ट्रक्चर से हम लोग निरूपित करते हैं। ये हमारा है लीवर, ठीक है, और ये हमारा है मसल। हमने दोनों का नाम दे दिया कि दिस इज लिवर सेल, हेपेटोसाइट कहते हैं इसे, और इसे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है वह है मसल सेल, दैट इज मसल सेल को हम लोग क्या कह रहे हैं, मायो फाइब्रिल, फाइब्रिल, ठीक है। तो मसल सेल्स है, और अब यहाँ पर लीवर सेल और मसल सेल की बात करते हैं तो लीवर सेल की बड़ी खास बात होती है। क्या बात खास बात होती है कि लीवर सेल जो है वह लैक्टेट मेटाबॉलिज्म को कंडक्ट करता है। अब इस लैक्टेट मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा हम आपको थोड़ा ब्रीफ बता दें कि जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है चीज में ग्लूकोज में, और फिर वो टूटता है लैक्टेट में, ठीक है। यह जो घटना होती है इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टेट फर्मेंटेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लैक्टेट फर्मेंटेशन। ये लैक्टेट फर्मेंटेशन जो है यह कब होता है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो, when the supply of oxygen is not adequate, जब adequate नहीं हो, जितना डिमांड है ऑक्सीजन का उतना सब नहीं काम हो रहा हो। जब हम जैसे कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या बहुत सीवियर वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर मसल्स में बहुत ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है मायोजन की तरह, तो फिर क्या होगा, what will happen, ये होगा कि वहां पर लैक्टेट फर्मेंटेशन होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में किस प्रकार से ये काम होता है, तो पहले देखिए कि जब हम दौड़ेंगे या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो मसल बहुत एक्टिव होता है ना, यही हम लोग कहेंगे, इट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग वर्क। कोई काम करें तो हमारा मसल्स क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अब जब यह एक्टिव होगा तो इसमें निश्चित रूप से किसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा लैक्टेट का। अब ये जो लैक्टेट है ना, देखिए कैसे हो रहा है, तो मसल में है ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन टूटा और टूट कर क्या बना, लैक्टेट मसल्स में। मसल में क्या होने लगा, पेन होने लगा। हम लोग देखते हैं जब काम करते हैं तो मसल्स क्या करता है, दर्द करता है। अब ये जो लैक्टेट है यह ब्लड में रिलीज हो जाता है, किस में रिलीज हो जाता है, ब्लड में, क्योंकि अब इसको तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है अपने आप को, और ब्लड से रिलीज होकर यह पहुंचता है फाइनली कहां पर, लीवर में, लीवर में पहुंच गया लैक्टेट। अब लैक्टेट का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, तो लैक्टेट को यूटिलाइजेशन करने के लिए लीवर में अपना खास मेटाबॉलिज्म होता है, और उसमें क्या होता है, यह लैक्टेट से जनरेट कर लेता है ग्लूकोज को, ठीक है।
और इस ग्लूकोज को वापस वापस सप्लाई करता है किसको? इस ग्लूकोज को वापस सप्लाई करता है मसल को थ्रू ब्लड, और मसल्स उसको वापस किस फॉर्म में अपने यहां चेंज कर लेता है, वापस को ग्लाइकोजन बना लेता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब इस तरह का पेन, मसल पेन होता है ड्यू टू लैक्टेट फॉर्मेशन, तो कुछ दिन में, एक दो दिन के अंदर में वह पेन स्वतः खत्म हो जाता है, क्योंकि तब लीवर का एक्शन एक्शन वहां पर शुरू हो जाता है। और यह जो लीवर का एक्शन शुरू होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो हमारा एक्टिव हिस्सा है वो क्या है? मसल। तो ग्लाइकोजन से जब मसल बनेगा तो इसके दरमियान में क्या बनेगा? दो मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें एटीपी प्राप्त होता है, ठीक है? दो एटीपी हमें प्राप्त हुआ, और जब लैक्टेट से ग्लूकोज बनाते हैं तो हमें वापस वो दो एटीपी जो है वो क्या देना करना पड़ता है, खर्च करना होता है। तो इस तरह से एक साइकिल जो है वो भी मेंटेन हो जाता है। तो कोरी साहब ने इस साइकिल को दिया, और इस साइकिल के दरमियान उन्होंने क्या किया, एंजाइम के बारे में बताया, और उस एंजाइम के डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अब मुद्दा आता है कि ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म अगर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इस मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट है, ऐसे हम लिखे अगर कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तो इस मेटाबॉलिज्म में तो दो हिस्सा है। पहला हिस्सा है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, अगर ग्लाइकोजन है तो तोड़ेंगे, और दूसरा है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन बनाएंगे, ठीक है? यह दोनों कार्य है, एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहा है कि भाई हम जब जरूरत होगा तो तोड़ के ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएंगे, और जब हमें आवश्यकता नहीं होगा तो हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएंगे। अब ये जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट इश्यू होता है कि हम आज के दौर में ग्लाइकोजन से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ग्लाइकोजन को देखें, ग्लाइकोजन कब बनेगा? तो ग्लाइकोजन बन रहा है, और हम कुछ इस प्रकार से करें कि ये हमारा ब्लड का वेसल है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, अभी एलिमेंट्री कैनाल रख लेते हैं, खाते तो वही है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ओके। और ये जो है ये हमारा ब्लड वेसल्स है, अच्छे से बना देगा, ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है? अब इसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारा ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन है, ठीक है? ये हमारा ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, और इसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारा ब्लड वेसल हो गया। देखिए कितना एक इसका वैज्ञानिक महत्वपूर्ण रूप में है कि हम जब भोजन कर रहे हैं तो हमारे ल्यूमेन में शुगर है, इसलिए जो डार्क कलर दिखा रहे हैं वो हमारा शुगर मॉलिक्यूल है, ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, स्टार्च है, सपोज करो ये क्या है, ये हमारा स्टार्च, स्टार्च इन फूड, भोजन में स्टार्च तो खा रहे हैं। अब इस स्टार्च से जो ग्लूकोज बनेगा उस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा? ब्लड में होगा। ब्लड में चला आया क्या? ग्लूकोज, या फिर उसके जो अन्य रूप हैं, गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज, ये सब ब्लड में पहुंचा। अब ब्लड से क्या होता है कि सर्कुलेट हो रहा है, शरीर के अन्य हिस्सों में जा रहा है, जहां जहां जरूरत है वहां वहां जा रहा है। अब जब शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं है और ब्लड में ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा है, तो यहाँ टर्म एक यूज होता है, और उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा लेवल? ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल द्वारा तय होता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा है तो फिर ये ग्लूकोज भेजा जाएगा लीवर सेल में, या मसल्स, जहां भी जो भी उचित जगह है उसका, लीवर को मेल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना?
लीवर सेल में जाएगा, और लीवर सेल में किस चीज में कन्वर्ट होगा वो? तो वो कन्वर्ट होगा वहां पर ग्लाइकोजन में। ये हो गया, तो ग्लूकोज जब लीवर सेल के अंदर जाएगा ग्लूकोज, तब वो चेंज होगा किस चीज में? ग्लाइकोजन में। अर्थात एक जो मिडिल बीच का स्टेप है वह कि लीवर सेल में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक होगी तब वो ग्लाइकोजन बनेगा। अर्थात ब्लड ग्लूकोज लेवल के बाद जो सेकेंड एक टर्म आ रहा है वह क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज। देखिए जो बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सलीके से पढ़ना है, रेगुलेशन भी सीख रहे हैं ना। देखो कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दो तरह का लेवल हमको यहां पर देखने का मौका मिल रहा है। एक तो है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको हम लोगों ने यहां लिखा है, और एक टर्म हमने दिया है सेलुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की मात्रा कब बढ़ेगी सेल के अंदर में? जब सेलुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज हाई रहेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि सेल के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़े। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू यहां पर होता है। उम्मीद है आप सभी डायग्राम बनाकर इन चीजों को लिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर डेवलप होता है, पॉइंट वन। पॉइंट टू क्या है कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के लेवल में देखिए ग्लूकोज, ओके, और ये रहा ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के लेवल की बात की जाए तो इन दोनों के बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसे अवस्थाएं हैं, कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का रेट पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब होना शुरू हो जाएगा, और कुछ ऐसी अवस्थाएं होंगी जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनने का प्रोसेस घट जाएगा, है ना। यह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया रिवर्सिबल प्रक्रिया है। अर्थात अगर ये इधर से इधर हो सकता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन सकता है, तो ये वापस भी हो सकता है, मतलब इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका मतलब है हम स्पष्ट समझने के लिए कि हमें इस पूरे रेगुलेशन को बहुत सावधानी और बहुत सलीके से सीखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेच हैं और एक एक पेच को हम आराम से समझेंगे। आप अगर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ तो आप देखेंगे क्या कि आप इसे बहुत बारीकी से समझ, तो समझ नहीं समझ, एक बार अगर आप समझ गए तो बाकी तो उसके कंपोनेंट हैं जो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ये कंपोनेंट्स हो। तो सबसे पहला जो इवेंट हम लोग देख रहे हैं इसमें वो देख रहे हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अब मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है, मेरा क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है आपसे, व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज रिक्वायर्ड इन द सेल। सबसे पहला सवाल है सेल में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कब जरूरी है? सिचुएशन तो समझना पड़ेगा ना। आंसर होता है फर्स्ट व्हेन ब्लड सुगर लेवल, ब्लड सुगर लेवल क्या हो? लो हो। हम इसको थोड़ा सा और डिप्लोमेटिक बनाते हैं, व्हेन सेलुलर डिमांड ऑफ ग्लूकोज इज हाई। जब सेल के अंदर में ग्लूकोज का डिमांड ज्यादा हो एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो? कम है, तो ब्लड से तो उसको ग्लूकोज मिलेगा नहीं सेल को, सेल को डिमांड है ग्लूकोज का। मान लीजिए कि अगर आज हम सब लोग को राशन बाहर से मिलना बंद हो जाए दुकान से, और हमारे पास खेत हो, तो हम क्या करेंगे? खेती करना शुरू करेंगे।
वो हमारा खेती नहीं करना तब तक संभव है जब तक कि राशन दुकान में चावल गेहूं दाल है और हम उसे खरीद कर ला सकते हैं। तो जब तक ब्लड में अगर ग्लूकोज था और वो सप्लाई हो रहा था सेल को, तब तक सेल के अंदर में ग्लाइकोजन का कोई इशू नहीं था। मैं इसको थोड़ा डायग्राम से भी आपको सिखाता हूँ। ये सेल है, ओके, और अब मैं थोड़ा सिंपल बनाना, और सेल के बाहर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो सिंपली। और ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ना वो खूब सारा है, बहुत सारा ग्लूकोज। तो जब भी सेल को जरूरत होगा ये आराम से ग्लूकोज दे देगा, इजीली सेल के अंदर जाएगा और वह यूज होना शुरू हो जाएगा। वह क्या होगा, यूज होना शुरू हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है, उसको सेल यूज करना शुरू करता है ना। बढ़िया, अब क्या हो रहा है कि अब कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हो गया कि जब खर्च हो रहा है धीरे धीरे, तो ब्लड के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा अब उतनी नहीं है, और अब सेल को क्या करना है, ग्लूकोज चाहिए और ब्लड में नहीं है, तो सेल अपना ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है, देखिए मैं इसको एक ग्लाइकोजन स्टोरेज का रूप दे रहा हूं, है ना, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज है। सेल क्या करेगा, उस स्टोरेज से क्या ऑप्टेन करना शुरू करेगा, उस स्टोरेज से सेल ऑप्टेन करना शुरू करेगा ग्लूकोज। अभी अपना काम करेगा जो आवश्यकता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल सेल क्या करेगा, नॉर्मल सेल ब्रेक्स द ग्लाइकोजन एंड ऑप्टेन ग्लूकोज फॉर द यूज, अपने यूज के लिए काम करेगा। अब लेकिन सपोज करो कि यह लीवर सेल है, इफ इट इज अ लीवर सेल, अगर ये लीवर सेल है तो कंडीशन बदल जाएगा। अभी क्या था, सेल को ग्लूकोज की जरूरत थी, सेल में ग्लाइकोजन था, सेल ने उसको तोड़कर यूज कर लिया, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम थी। अब कंडीशन क्या है, अब यह लीवर सेल है और ब्लड में कंडीशन क्या है, ग्लूकोज लेवल कम है। अगर ये लीवर सेल है, if it is a liver cell, then it breaks glycogen into glucose and supply them to the blood to normalize the blood glucose. अब देखो क्या हुआ, ब्लड में तो ग्लूकोज की मात्रा कम है, और अगर बहुत ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो बॉडी का बहुत डैमेज होगा। अब क्या करेगा यहां पर, कि ये लीवर सेल अगर है, लीवर सेल अपने ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और अब वो ग्लूकोज को सप्लाई करना शुरू करेगा। कहां सप्लाई करना शुरू करेगा, वो सप्लाई शुरू करेगा उसको ब्लड वेसल में। रिजल्ट क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, नॉर्मलाइज हो गई, है ना। तो इस प्रकार से उसने क्या किया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर दिया ताकि कोई डैमेज नहीं हो। तो दो तरह का आपने कंडीशन देखा, एक जब सेल को ही एनर्जी चाहिए, ब्लड में सब उतना ग्लूकोज नहीं है, तो सेल अपना ग्लाइकोजन तोड़ा और अपने लिए यूज कर लिया। लेकिन लीवर सेल को थोड़ा सा भगवान ने ज्यादा काम करने का दिया जगह, लिवर सेल को बोला कि तुम ग्लाइकोजन तोड़ोगे तो अपने लिए यूज कर सकते हो, बट तुम्हारे पास इतना ग्लाइकोजन रहेगा कि तुम उसको ब्लड में डालकर दूसरे ऑर्गन को भी सप्लाई कर सकते हो। दैट्स व्हाई लिवर सेल जो है वो स्टोर हाउस है किसका, ग्लाइकोजेंस का, और उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उस सेल में, लिवर का जो सेल है ना उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इतना ग्लाइकोजन भर जाता है, ठीक है ना। लोग उसका नाम क्या कहते हैं, लोग उसका नाम देते हैं ग्लाइकोसोम। क्यों नाम देते हैं ग्लाइकोसोम, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्लाइकोजन ही भरा हुआ है,
दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओनली टू द लिवर सेल, यह जो सुविधा है वो सिर्फ लिवर सेल को दिया गया है, आप जब चाहें ब्लड में ग्लूकोज भी दे सकते हैं। यह एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, इसमें सिग्नलिंग सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, कैसे पता चलेगा कि ब्लड में ग्लूकोज कम है, कि सेल में ग्लूकोज कम है, कि क्या है नहीं है, तो अब ये जो है हमें जानने की जरूरत है। ओके, अब हम लोग जब बोलते हैं कि ये ग्लाइकोजन है, ठीक है ना, तो चलो मैं इसे आपको बोलता हूँ, ठीक है, मैं इतना बार बार तो डायग्राम बनाने मेरे लिए बहुत ये है, उतना कैसे बनाएगा, तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ये है और ये जो है सबके बीच में क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। ये जो लिंकेज है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 1-1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये जो लिंकेज है इसे हम लोग कह रहे हैं 1-6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर हमने दो ही दिखाया, जबकि ऐसा बहुत सारा इसमें होता है, ऐसा बहुत सारा इसके साथ होता है। ओके, चलो ऐसे, ओके, इस तरह से अब आप देखेंगे कि इस तरफ में इसके पास 3 फ्री एंड है, 1, 2 और 3, जबकि इस साइड में सिर्फ एक ही है, तो ओनली वन। ये जो एंड है इस एंड को हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्या कहते हैं इसको, नॉन रिड्यूसिंग एंड। हम इसको डायग्राम कैसे बनाए थे, इसका डायग्राम हम लोग ऐसे बनाए थे, नॉन रिड्यूसिंग, और इसको हम लोगों ने कैसे डायग्राम बनाया था, इसको डायग्राम दिया था ये रिड्यूसिंग इट OH। अब दिस इज कॉल्ड NR एंड, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग एंड, वन नॉन रिड्यूसिंग नंबर वन ये हो गया, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग एंड नंबर 2 ये हो गया, तीसरा नॉन रिड्यूसिंग एंड नंबर 3, इस प्रकार से ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है, और ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग एंड, रिड्यूसिंग। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर तोड़ना है, मेरे पास कैंची, हमको तोड़ना है इसको, सबको टुकड़े टुकड़े में बांट देना है, तो हम काम किधर से शुरू करेंगे। आंसर है कि हम लोग को जब भी तोड़ना होगा हम लोग हमेशा नॉन रिड्यूसिंग एंड से काम शुरू करेंगे, अर्थात हम लोग जब भी तोड़ना होगा तो हम लोग पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, ऐसे करके हम लोग तब तोड़ तोड़ के इधर चले आएंगे। तो एकदम स्पष्ट है कि हम लोग को कैसे काम करना होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम तोड़ ताड़ का काम करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, हम नॉन रिड्यूसिंग एंड से उस ब्रेकडाउन को कंडक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एंड से ब्रेकडाउन का कंडक्ट नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जरा गौर करें, जब भी हम तोड़ने का काम करेंगे तो हमें सबसे पहला कौन सा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, किस बॉन्ड को हमें तोड़ना चाहिए, हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा 1-4-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, okay? और दूसरा हमको तोड़ना पड़ेगा 1-6-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अर्थात हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सावधानी से इस प्रकार के एंजाइम का यूज करना होगा ताकि हम इन दोनों काम को आराम से कर सके। बढ़िया, अच्छा, तोड़फोड़ जब भी करोगे, कोई भी तोड़फोड़ करोगे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये जो तोड़ना है हमें, अब यहां पर जो आप देखें इसको, मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं, ये कौन सा बॉन्ड है, ये तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे होता है, ये दो बॉन्ड है और इसके बीच में ऑक्सीजन है, दोनों बॉन्ड है, इस दोनों बॉन्ड के बीच ऑक्सीजन नहीं होता है बीच में, है ना, ये देखो ऐसे ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन, ये सब इस तरह कैसे, तो हमको इसको जब भी तोड़ना होगा तो हमें फॉस्फेट देना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो सबसे पहला एंजाइम होगा उसका नाम होगा, सब्सट्रेट का नाम क्या है, ग्लाइकोजन, और फॉस्फेट डालेंगे तो एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फोराइलेज। तो आराम, हम हमेशा कह रहे हैं कि आप एकदम मस्त होकर सीखिए,
आपको एकदम रटना नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि सोई जी हम आराम से इसको बना सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, हमारे पास कोई इशू नहीं है। ओके तो पहला जो है वो हमारा ये इंजाइम। ओके दूसरा क्या है कि हमें फिर उस फॉस्फेट को तो हटाना पड़ेगा ना, जो ग्लूकोज में फॉस्फेट है, फिर उस फॉस्फेट को हमें हटाना पड़ेगा, जो उसको कि जो फॉस्फेट होता है वो पहले कार्बन पर जुड़ता है, और हमें प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है इससे, मैं इसको भी यहां पर ऐसे लिख देता हूं, जो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये हमको प्रोडक्ट मिलता है जब ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काम करता है, तो हमें मिलता है क्या, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब हमें इसको क्या करना है, तो हमें इसको करना है नाउ, बड़ा सिंपल सा बोलते हैं कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से इसको हमको चेंज करना है टू चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अर्थात जो पहले का पोजीशन पर कार्बन है उस फॉस्फेट है, उस फॉस्फेट को 6वें नंबर पे भेजना है। तो चेंज इन पोजीशन, म्यूटेशन, एंजाइम का नाम पड़ा म्यूटेज। एंजाइम का नाम पड़ा क्या, म्यूटेज। सब्सट्रेट का नाम क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। आप इसको लिख सकते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फॉस्फेट म्यूटेज एंजाइम का नाम। या अगर इसको हम लोग फॉस्फो ग्लूको कहें, इसको हम लोग कह सकते हैं फॉस्फो ग्लूको ग्लूको म्यूटेज इज द नेम, है ना, पीजीएम, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। और तीसरा एंजाइम का क्या काम है भाई, जब ये ब्रांच को भी तो तोड़ना है ना, तो डी ब्रांचिंग होना चाहिए। इसका नाम पड़ा ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग, डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है, ये एंजाइम नंबर 3 है। ये क्या है, ये एंजाइम नंबर 3 है, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम। अरे बाबा, डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, किस प्रकार से काम करेगा? तो डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस चीज में चेंज करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। देखिए ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या करता है, तो इट चेंजेज, क्या चेंजेज, 1,6-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनटू 1,4-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। तो सेल, बोलो ना, सेल तो कंजूस है, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि एक ही तरह काम करने के लिए हम 4 तरह का चीज यूज करें, है ना। तो जैसे मल्टीपिन आता है आजकल, मल्टीपिन चार्जिंग, एक चार्जर खरीदिए उसमें कोई भी मोबाइल होगा वो चार्ज हो जाएगा, उसी प्रकार से ये भी है कि जो एंजाइम है वह बहुत ही आसानी से 1,4-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ देता है। तो बहुत सारे ब्रांचिंग को ये क्या करता है, उसको चेंज कर देता है 1,6 से 1,4 में, और फिर उसको आराम से ब्रेक डाउन कर लेता है। इस प्रकार से ये 3 जो एंजाइम्स, ये फंडामेंटल एंजाइम्स हैं, जो कि जिसकी मदद से ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है। पहला तो हमें एनर्जी देकर ग्लाइकोजन से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को तोड़ना है, तो हमने दिया ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, यह एटीपी डिपेंडेंट है, इसके कारण क्या बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को किस चीज में चेंज करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो पोजीशन ऑफ फॉस्फेट चेंज करने के लिए इसमें चाहिए म्यूटेज, तो फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज हो जाएगा, या अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ले तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट म्यूटेज हो जाएगा। और 1,4-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हमें चेंज कर देना है, 1,6-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हमें चेंज कर देना है 1,4 में, तो डी ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए जो क्या करेगा, 1,6-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को 1,4-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चेंज करेगा, और ये पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो इस